जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से बुधवार को भी संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। कठुआ, सांबा और आरएसपुरा की बस्तियों और चौकियों पर मोर्टार दागे गए। इसमें पिछले 24 घंटों में यहां 7 नागरिकों की मौत हो गई। बीएसएफ के 5 जवानों समेत 35 लोग जख्मी हुए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक बीएसएफ ने पिछले 9 दिनों में इलाके से करीब 100 गांवों के 76,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1971 की जंग के बाद उन्होंने पहली बार ऐसी गोलीबारी का सामना किया है। यहां रक्षा सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान इस बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सभी सेक्टर्स में फायरिंग कर रहा है। बीएसएफ इसका माकूल जवाब दे रहा है। जम्मू के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अरुण महन नाहस ने न्यूज एजेंसी को बताया कि अरनिया कस्बा खाली हो गया है। यहां से ज्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों या सरकारी शिविरों में चले गए हैं। राहत और पुनर्वास के काम की अगुवाई कर रहे मनहास ने बताया कि अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर्स के 90 से ज्यादा गांव या तो एहतियातन पुलिस ने खाली करा लिए हैं या खुद लोग छोड़कर चले गए हैं। पिछले कुछ दिनों में सीमा से सटे गांवों में 76,000 से ज्यादा लोगों के पलायन होने की जानकारी है। पाकिस्तानी गोलीबारी का सामना करके आरएसपुरा और अरनिया के कैंपों में आए लोगों का कहना है कि उन्हें लगता है कि जैसे वे जंग से घिरे किसी इलाके में रह रहे हों। चारों तरफ मोर्टार और स्वचालित हथियारों के चलने की आवाजें हैं। चारों तरफ मारे गए और जख्मी लोग हैं। अरनिया में रहने वाले 71 साल के बेसन दास ने कहा कि 1971 के बाद उन्होंने कभी ऐसी गोलीबारी नहीं देखी। यहां तक कि जंग के दौरान भी पाकिस्तान ने कभी हमें इस तरह निशाना नहीं बनाया, लेकिन अब वो हम पर मोर्टार दाग रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने और एक बार में समस्या हल करने की अपील की। पुलिस अफसरों के मुताबिक पाकिस्तान इन बस्तियों पर 80 से 120 mm तक के मोर्टार दाग रहा है। ऑटोमेटिक और छोटे हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू में मौजूद रक्षा सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान इस बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सभी सेक्टर्स में फायरिंग लगातार कर रहा है। इसमें अरनिया, कठुआ, आरएसपुरा, हीरानगर, पलवाला, रामगढ़ और सांबा शामिल है। इस साल 700वीं बार पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग की है। इनमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 18 जवान शहीद हुए।